आज हम बना रहे हैं मटर का पराठा। मटर मैंने ली है एक प्याली, हरी मिर्च मैंने ये चॉप काटी हुई है 3-4 अदद ली है। आप अगर कम खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। लहसुन का 1 जवा है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जो मैंने काट लिया है, और ये वाइट और ग्रीन पार्ट में दोनों में ये ऑनियन है। ये ज़्यादा नहीं है, तकरीबन थोड़ी सी है, जैसे 2-3 टेबल स्पून मिलकर दोनों हैं। और ये है साबित धनिया 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा सफ़ेद 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, 3 अदद सुरख लाल मिर्च साबित, 1 चुटकी मैंने अजवाइन ली है, 1/2 मैंने लेमन लिया है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को मुझे पीसना है, चाहे आप सिल्पर पीसें, आप चॉपर में पीसें, या आप इनको मिक्सर में पीसें। इसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या डलेगा। मैंने मटर और तमाम मसाले मिलाकर उसको पीस लिया है, मगर इसमें पानी नहीं डालना है। ये मसालों का अपना ही मॉइस्चर है, इसमें पानी मत डालिएगा। छोटा आलू मैंने लिया है, ये वो छोटा आलू है जो इसमें हमें मिक्स करना है, और नमक ज़रूर चखकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कम हो तो आप डाल सकें। हरा धनिया डाल दिया है मैंने, तकरीबन 1 मुट्ठी भर के, और नमक मुझे शायद कम लगा तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, आप कोई भी तेल ले सकती हैं, वेजिटेबल ऑयल ले लें, या आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये मैंने इसमें डाली है सरसों के दाने, देखिए आवाज़ आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये भूनते भी रहें और चम्मच के जरिए दबाते भी रहें, तो जो थोड़े बहुत जो इसमें गुठली है या कोई सब्जी का दाना है वो भी पिस जाएगा। ये हमारा देखो इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है, अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ये नॉर्मली वही आटा है जो सबके घर में बनता है, और इस आटे में मैंने सिर्फ नमक डाल के और आटे को भूंदा है, और ये गेहूं का आटा है। आप चाहें तो मैदा का भी आटा, मैदा ले सकती हैं, चाहे तो आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर लें। मैं पराठे इसी से बनाऊंगी, और उसको भून कर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। हमारा ठंडा हो गया, अब इसमें मुझे फिलिंग भरनी है। फिलिंग आप अपने मुताबिक भरिएगा, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालें। इसे हम इस तरह से मोड़, देखिए पीछे से अगर ये ऐसे हो गए परेशान होने वाली बात नहीं है, खुशा काटा ले इस तरह से कर सकते हैं। तेज हीट नहीं कीजिएगा, स्लो हीट पे कीजिएगा, और मैंने इसके अंदर मसाला फिलिंग ज़्यादा भरी है, इसकी वजह से ये छलक गया। हमारा हो चुका, मैं इस पराठे पर अब घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक ही तरफ घी लगाती हूँ, इसे भी मैं कपड़े के जरिए या टिशू ले लें इसे मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि सेकने की तो चाहिए होता है।
पीछे देखें सिर्फ एक ही तरफ होता, ये मेरा तैयार हो चुका है पराठा। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। देखिए ये पराठा हमारा, अब जो हमने पहला पराठा था हमारा वो थोड़ा सा हमारा आउट हो गया था, क्योंकि वो सबका ही हो जाता है, क्योंकि इंसान पहली दफ़ा बनाता है, फिर दोबारा जब उसको बनाता है ना तो वो और अच्छे आते हैं। इसे घबराना नहीं चाहिए। ये हमारे तमाम पराठे तैयार हो गए। देखिए ये हमारा, देखिए पराठा, और ये वाला है देखिए, और ये हमारा फर्स्ट था जिसने थोड़ा सी इसकी फिलिंग आउट हुई थी। ये हमारे तमाम पराठे तैयार हो गए।